राज्य की चुनाव लड़ने से इनकार के बाद क्या महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शिवपुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर देने की खबर ने शिवपुरी जिले की राजनीति में खलबली मचा कर रख दी है। इस खबर ने कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के समर्थकों सहित विरोधियों को भी चौंका दिया है। अब यहां बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार के बाद शिवपुरी से कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर जारी हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व आक्रामक मूड में नजर आ रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर मैदान में उतारना भाजपा की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। भाजपा की इसी आक्रामक रणनीति को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक ही कयास लगा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं।